सहारनपुर से हम आपको खबर बता रहे हैं। सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय सहारनपुर के निर्देशन में 7/1/2023 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा एक अभियुक्त फरजन अली पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम चकवाली थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर हाल पता ग्राम पिंजोरा मलहीपुर रोड चौकी रामनगर थाना कोतवाली देहात सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा अपने सहयोगी के साथ रुपए ऐंठने के लिए एसिड अटैक की फर्जी घटना बनाकर झूठी डॉक्टरी कराकर मुकदमा पंजीकृत कराया। अभियुक्त पर कार्यवाही कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। एसपी सहारनपुर सर के कुशल पर्यवेक्षण में ये जनकपुरी टीम ने और एसओजी टीम ने एक स्कैम का अनावरण किया है। यह स्कैम इस तरह चल रहा है कि इसमें फर्जी मेडिकल बनाए जाते हैं अपने सरकारी अस्पताल से ही। इसमें से जो आज अभियुक्त हम जिसको गिरफ्तार करके भेज रहे हैं ये फर्जन है इसका नाम, और ये दलाली का काम करता था। ये वकीलों के संपर्क में रहता था और कुछ कॉन्टैक्ट इसके एसबीटी अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टरों से भी थे, जो उसके कहने पर गलत मेडिकल बनाए करते थे। उसके आधार पर जिससे धारा बढ़ जाए या दूसरे पक्षों में दोनों पक्षों के बीच में किसी तरह का समझौता हो जाए उसको ध्यान रखते हुए फर्जी मेडिकल बनाए करते थे, और उसी में हम इसको आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर इस डॉक्टर जी हाँ, अभी पूछताछ में जब इससे बात करी है फर्जन से, तो उसमें पूछताछ में कुछ हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि यह बीडी शर्मा के संपर्क में रहता था। वो वहां पे जब इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के रूप में बैठते थे तो उनके द्वारा फर्जी मेडिकल कराए गए हैं। उसी साक्ष्यों की अभी गहनता से छानबीन हो रही है, उन्हें वेरीफाई कराया जा रहा है। उनके साथ साथ कई और डॉक्टरों के भी नाम इसमें सामने आ रहे हैं, तो उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर और जो हमारी जांच जब हम करेंगे गहनता से, जो अगर उसमें जो भी साक्ष्य सामने आएंगे उसी के आधार पर हम आगे इसमें गिरफ्तारी करेंगे। सर प्रथम आपने बिल्कुल सही कहा है, मैंने इससे पूछताछ जब करी तो इसमें इसने बताया कि पिछले 3-3.5 साल से ये डॉक्टरों के संपर्क में था। औसतन इसके द्वारा बताया गया कि 30-40 मेडिकल इसने बनवाए गए हैं। इसके फोन से कुछ रिकॉर्डिंग्स मिली हैं, उसका हम इस टाइम पर विश्लेषण करा रहे हैं, उनको सुन रहे हैं, तो जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे उन केसेस में भी कार्रवाई की जाएगी। सर क्या कीमत होती थी फर्जी में? डिपेंड करता है मेडिकल पर, किस तरह का मेडिकल बनना है, किस तरह की चोट बननी है, और सबसे बड़ी बात डिपेंड करता है उस पार्टी पर जो मेडिकल बनवाना चाहती है। उसी के आधार पर इनका प्राइस फिक्स किया जाता था। औसतन 50 से 60 हजार रुपए में मेडिकल बनता था, जिसमें इसका कमीशन कुछ 5-10-15 हजार का रहता था।